हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। आज हम समझेंगे कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और हम कैसे जनरल एंट्रीज पोस्ट करते हैं, कैसे जनरल एंट्रीज पे इसका इम्पैक्ट आता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या होता है डिस्काउंट? अट्रैक्ट करने के लिए होता है कस्टमर को, कि कस्टमर और ज्यादा चीजें खरीदे। तो डिस्काउंट भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो, सबसे पहले मैं डिस्काउंट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। जैसे आप कुछ चीज़ खरीदने गए, सपोज गुप्ता के ही चले गए आप, इनसेंस के ही चले गए आप। इनसेंस के तो बहुत ही ऑफर्स होती है। इनसेंस क्या कहता है कि अगर आप 2 शर्ट्स खरीदोगे तो 50% ऑफ मिलेगा, 3 शर्ट्स खरीदोगे तो 60% ऑफ मिलेगा। ये क्या है? ये हमारे डिस्काउंट ही तो है, ये हमारे डिस्काउंट ही तो है। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ही तो दिए हुए हैं। तो अभी ये जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट को भी ना आगे दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एक को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। देखो, अगर हम मैंने आपको पहले ही कहा था कि अकाउंट्स पे मैं आपको सारी चीज़ें ना नाम से ही उसका मीनिंग बता के करूंगी, जिससे आपको ना किसी चीज़ को क्रैम करने की जरूरत ना पड़े, आप ना अंडरस्टैंडिंग के साथ ही समझो। अब ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है? व्यापार करने के लिए डिस्काउंट, ठीक है? व्यापार, ट्रेड का मतलब ही व्यापार है, और कैश का मतलब तो समझ ही गए सारे, मनी ओरिएंटेड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट पे चलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि हम किसी चीज़ को बेचने के लिए जो डिस्काउंट दे रहे हैं, जो व्यापार करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, उसको मैं क्या बोलती हूँ, ट्रेड डिस्काउंट। जैसे इसी केस में मैंने आपको इनसेंस वाला एग्जाम्पल दिया। इनसेंस हमेशा सेल लगा के रखता है कि अगर आप 1 शर्ट खरीदोगे तो आपको 100% पे करना पड़ेगा, 2 शर्ट खरीदोगे तो 60%, 3 शर्ट खरीदोगे तो 50%, ऐसे करके वो हमेशा रखता है। वो प्रमोट ही तो कर रहा है कि बिजनेस को अपने, कि अगर मैं ये सेल लगा दूँ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट शर्ट खरीदेंगे। बल्कि हमारे साथ तो ये भी होता है कि हम ये सोच के जाते हैं कि हमें एक ही शर्ट लेनी है और ये डिस्काउंट दे के हम 3 शर्टें खरीद लेते हैं, क्योंकि 3 शर्ट में हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ऐसे ही क्या करता है फर्म, फर्म जो होते हैं, बिजनेस होते हैं, बिजनेस पर्सन, वो डिस्काउंट देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कि उनकी सेल बढ़े, कस्टमर और आए। तो ये जो हम व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कि आप की क्वांटिटी वो ज़्यादा खरीद ले, वो ज़्यादा परचेज कर ले, ये जो जितने भी सारे इस टाइप के डिस्काउंट होते हैं उनको मैं क्या बोलती हूँ, मेरे ये ट्रेड डिस्काउंट है। मेरे कौन से डिस्काउंट है? ये मेरे ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड जो डिस्काउंट होते हैं ना, वो हमारे बुक्स में कभी भी मेंटेन नहीं होते। मैं इनकी एंट्री बुक्स में कभी भी नहीं करती। आगे मैं आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगी ना, तो आपको और क्लियर होगा कि मेरा इसका मतलब क्या है कि बुक्स में मेंटेन नहीं होते डिस्काउंट। मतलब कि अगर 100 रुपये की चीज़ है, वो डिस्काउंट से मैंने आपको 70 रुपीज़ की सेल आउट कर दी, तो मैं बुक्स में जो है ना वो सेल अपनी 70 ही लिखूंगी। मैं 100 नहीं लिखूंगी, मैं 100 से एंट्री नहीं करूंगी उस सेल की। मैं उस सेल की एंट्री किससे करूंगी? 70 रुपीज़ से करूंगी। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, उसकी एंट्री पास नहीं होती, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। मेन डिफरेंस है ये। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट समझ आ गया आपको? ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा सेल कर पाए हम। जैसे तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा व्यापार से रिलेटेड होता है, हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और ये जैसे हम, मैं आपको ऊपर मैंने बताया कि इनसेंस वाला क्या करता है, तो इनसेंस वाला यही करता है कि अगर आप 1 शर्ट खरीदोगे तो आपको 0% डिस्काउंट मिलेगा, 2 शर्ट खरीदोगे तो 60%, 3 शर्ट खरीदोगे 70%, जिससे वो प्रमोट कर रहे हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। और हम जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, उसको कभी भी बुक्स में मेंटेन नहीं करते हैं। हमेशा जैसे 100 का होगा तो 70 रुपीज़ हमें सेल किया तो हम 70 रुपीज़ से ही ट्रांजेक्शन्स अपने रिकॉर्ड करेंगे। अब आगे हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो नाम से पता चल रहा है ये, कि जो हमारा कस्टमर है ना, वो जल्दी से जल्दी पैसा दे दे, मतलब तुरंत ही दे जाए। जैसे मैं उसको बोल रही हूँ कि आप 200 रुपीज़ की चीज़ खरीद लो, तो अगर आप मुझे हैंड टू हैंड पेमेंट कर दोगे ना, तो मैं आपको 180 में लगा दूंगी ये चीज़। मतलब मैं 20 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दे दूंगी। जो पेमेंट जल्दी से आ जाए, उसको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, कैश डिस्काउंट। जैसे मैं क्रेडिट पे ना लेकर, कि मैं 1 महीने 2 महीने क्रेडिट बेसिस पे ना लेकर मैं कैश पे ही ले लूँ, तो उस 200 रुपये की चीज़ मैं 180 रुपये में दे रही हूँ। अगर आप मुझे हैंड टू हैंड पेमेंट कर दो
तो वो जो 20 रुपए का डिफरेंस है उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरा ये कैश डिस्काउंट है। और ये वाला जो बुक्स, देखो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में मेन ये फर्क आता है कि कैश डिस्काउंट जो है वो हम बुक्स में मेंटेन करते हैं, और हमारा ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कभी भी बुक्स में मेंटेन नहीं होता। क्लियर, मेन डिफरेंस ये है। तो दोनों हमें डिस्काउंट अच्छे से क्लियर हो गए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। चलिए अब हम एंट्री शुरू करते हैं इनकी। हमारा क्या है, हमने बॉट किए, देखो आराम आराम से एक एक वर्ड समझ 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 के करेंगे। बॉट किए गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन, मोहन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड बाय 40% बाय चेक। ठीक है, क्लियर। इसका क्या हम निकल रहा है, हमने गुड्स खरीदे जिनकी लिस्ट प्राइस थी ₹25,000 मोहन से, और उसने हमें क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%। ट्रेड डिस्काउंट सुनते ही हमारे क्या मन में आया कि हम डिस्काउंट तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, हम उसको बुक्स में कंसिडर नहीं करेंगे। एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, एंड पेड बाय 40% चेक, मतलब कि उसने 40% चेक से दिया। 40% तो उसने अभी पे कर दिया, हाथ किया, तो जो ये 40% जो उसने पे किया है ना उसी पे ही हमारा कैश डिस्काउंट लगेगा 2%। तो चलिए इस ये हम सॉल्व सॉल्व करते हैं। पहले तो हम अपना थोड़ा सा रफली बना लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेशन करें। उसका लिस्ट प्राइस क्या है, 25,000। उस पे अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट निकालूं 20% तो मेरा क्या निकलेगा, 5,000। तो मतलब मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ, 20% 20,000 में 5,000 मैंने अपना कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये मोहन से मैं खरीद रहा हूँ 20,000, 20,000 के प्रोडक्ट्स। देखो 5,000 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, 5,000 हम सीधा क्या करेंगे, बुक्स में 20,000 से एंट्री करेंगे, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था ट्रेड और कैश डिस्काउंट, मैंने बोला था ना कि बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट कभी भी मेंटेन नहीं करते, हम अलग से शो नहीं करेंगे कि 5,000 मेरा डिस्काउंट है। हम जो बुक्स में एंट्री करेंगे वो करेंगे 20,000 से। तो सबसे पहले हम सिंपल से एंट्री कर लेते हैं, ये तो वही हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो बोलते हैं ना। तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेजेस, खर्चा हो रहा है तो डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। किस अमाउंट से, हमने यहाँ पर किस अमाउंट से खरीदा है, 20,000 से, है ना, कैलकुलेशन करके 25,000 में से 20% उसको डिस्काउंट मिला तो हमने 20,000 का खरीदा है, तो मेरा क्या हो गया, ये 20,000। अब उसके बाद वो मुझे क्या कह रहा है कि उसने 2% कैश डिस्काउंट भी लिया। आप कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम उससे हाथ ही हाथ पेमेंट कर देते हैं, लेस एंड पेड बाय 40% बाय चेक। ठीक है भाई, मतलब 20,000 में से उसने 40,000 चेक से पेमेंट कर दिया, तभी की तभी पेमेंट कर दिया ना, उसको दे दिया चेक, ये 40% कितना हुआ, 8,000 हुआ हमारा। अब वो कह रहा है कि देखो वो ये कह रहा है कि 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड बाय 40% चेक, तो हमने 40% तो निकाल लिया चेक से, तो मेरा कितना हुआ, 8,000 हो गया, है ना। अब जो कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि जो उसने चेक से अमाउंट, जो उसने पैसे दे दिए उस पे मैंने 2% दिया है। देखो कैश डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, जितना पेमेंट उसने कर दिया, कैश डिस्काउंट ऑलवेज बी ऑन अमाउंट ऑफ विच इज पेड बाय द कस्टमर इमीजिएटली, जो भी उसने इमीजिएटली पे कर दिया उस पे लगता है। अब देखो हमने उससे 20,000 के गुड्स खरीदे थे, हमने उसको 40% 8,000 की पेमेंट कर दी, तो वो जो हमें ये कैश डिस्काउंट देगा 2%, वो किस पे देगा, जो हमने 40% चेक से पेमेंट की है, जो हमने इमीजिएटली उसको पे कर दिया। मतलब कि अब देखो 20,000 के दो पार्ट्स में बढ़ते हैं, 20,000 को हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। दो पार्ट्स क्या है वो, एक तो 60% और एक 40%। 40% उसने पेड कर दिया इमीजिएटली, और ये उसने पे नहीं किया, हमने ये पे सॉरी 40% हमने पे कर दिया इमीजिएटली, 60% हमने पे नहीं किया, हम बाद में पे करेंगे। तो
तो अब वो जो क्वेश्चन में क्या है ना कि 2% कैश डिस्काउंट दूंगा, वो 2% कैश डिस्काउंट जो हमने इमीडिएटली पे कर दिया ना 40% उस पर देगा वो। तो इमीडिएटली जो हमने पे कर दिया 8,000 पे कर दिया, तो 8,000 पे अगर हम 2% लगाए तो उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया है, 160 रुपीज। तो हम उसे चेक से कितना पेमेंट कर रहे होंगे, 7840। क्लियर? 8,000 हमने उसको इमिजिएटली पे कर दिया, 8,000 पे उसने मुझे 2% कैश डिस्काउंट दे दिया, 2% मेरा कितना बना, 1,6160। तो मैंने उसको कितना पेमेंट किया, 8,000 के बदले 7840, 160 रुपीज उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है मेरी, मैं एक और बार आपको सिखाती हूँ। मैंने उससे गुड्स खरीदे थे जिनकी लिस्ट प्राइस थी 25,000, उसने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया जो कि मैं कभी भी बुक्स में मेंटेन नहीं करती, सिर्फ कैलकुलेशन माइनस करके लिख देती हूँ। तो मेरा 5,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो मैंने उससे 20,000 के गुड्स खरीदे। अब वो कह रहा है कि अगर आपने मुझे कैश पेमेंट कर दी, मतलब हाथ की हाथ पेमेंट कर दी, इमिजिएटली पेमेंट कर दी, तो मैं आपको 2% और कैश डिस्काउंट दे पा। तो उस हमने क्या किया, हमने उसको 40% पे कर दिया। तो अब देखो 60,000 60% और 20,000 60% और 40%, 60,000 कितना बनता है, 1,12,000 और 8,000। अब वो कह रहा है कि हमने, अगर आप मुझे कर दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो 12,000 तो हमने उसको अभी पे नहीं किया, वो बुक्स में खड़ा ही है, 8,000 मैंने पे कर दिया। वो मैं कह रही हूँ मैं तेरे को पे कर दूंगी 40%। अब 40%, 8,000, 40% जो हमारा अमाउंट निकलता है 8,000, उस पे उसने हमें टू हमने उस उसने हमें सॉरी 2% कैश डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया 2%। तो कितना कैलकुलेशन हुई, 160 160 उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे कितना पे करना पड़ा, 7840 इंस्टीड ऑफ 8,000। तो क्लियर? देखो हमने अपनी बुक्स में सिंपल सी एंट्री कर दी थी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज फ्रॉम मोहन ऑन विच ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% रिसीव फ्रॉम हिम, अब 20,000 जो मोहन के अकाउंट में खड़े हैं उसमें से हम 8,000 खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमने 8,000 का हिसाब खत्म कर दिया। तो हमारी क्या एंट्री होगी, मोहन हमारा क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर अगर कम होता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। एक तो मेरा क्या गया, हमने चेक से दिया है तो मेरा बैंक गया, बैंक मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको, हमने हमें कितना पे करना पड़ा, हमें 7840 पे करना पड़ा। और टू हमारा जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव 160 रुपीज का है ना। सिंपल सी हमने एंट्री बना ली, बी 40% अमाउंट ड्यू पेड बाय चेक एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। क्लियर? देखो सिंपल सा इलुस्ट्रेशन था, हमने बूट्स खरीदे 25,000 के जिसमें हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, 2% कैश डिस्काउंट मिल गया और हमने 40% चेक से पेमेंट कर दी। तो जितनी हम इमिडिएटली पेमेंट करते हैं कैश डिस्काउंट हमें उतने पे ही मिलता है। तो हमने उससे 25,000 के गुड्स खरीदे जिनकी वैल्यू 25,000 थी, उसने हमें 20% डिस्काउंट दे दिया ट्रेड डिस्काउंट। तो वो वैल्यू, वो गुड्स कितने के खरीदे हमने, 20,000 के। 20,000 में से हमने 40% जो उसको हैंड टू हैंड पे कर दिया बैंक के थ्रू, तो उसने मुझे उस पे 2% कैश डिस्काउंट दे दिया, जिससे मेरी कैलकुलेशन 8,000 बनती थी, इंस्टीड ऑफ 8,000 मेरे को 7840 पे करना पड़ा।
और ये 12 के 12,000 मेरी बुक्स में ऑलरेडी खड़े हैं। चलो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। सोल्ड गुड्स, देखो ये वाली थी परचेज की एंट्री, अब हम बेच रहे हैं, हमारा क्या बन रहा है डेटर्स। सेल का नाम सुनते ही हमें क्या क्लिक हो जाना चाहिए कि मेरा क्या बन रहा है डेटर। तो हमारी क्या देखो, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 50% बाय चेक। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना चार्ट बना लेते हैं, छोटा सा क्यूट सा, जिसे हमें इलुस्ट्रेशन समझने में भी और रिजॉल्व करने में भी दिक्कत ना आए। हमने सेल्स की है, कितने की सेल्स की है, 50,000 की सेल्स की है ना, और उस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, उसको कितना दिया है 20%, 20% 50,000 पे कितना हुआ 10%, 10,000, तो कितने हम 40,000 हुए। उसके बाद वो कह रहा है कि 50% उसने चेक से दे दिया, 50% हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 20,000 और 20,000। क्लियर? अब वो कह रहा है कि जो उसने 20,000 इमीडिएटली पे कर दिया ना, उस पे उसने 2% डिस्काउंट दिया है, 2% कितना हो गया 4,000, सॉरी 400। तो बस हमारी एंट्री बन जाएगी, बस हमें क्या करना है, अब सिंपल सी अपनी एंट्री पास करनी है। तो चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले एंट्री हमारी क्या पास हो गई, जो हमने गुड सोल्ड किए हैं राकेश को, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा ये क्या है डेटर है, तो एंट्री क्या होगी हमारी, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने के हमने कितने के कैलकुलेट किए थे, 40,000 के, और बीइंग गुड सोल्ड टू राकेश ऑन ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। अब हमारी बुक्स में राकेश खड़ा हो गया, अब जो उसने हमें 50% पेमेंट कर दी, हमें वो एंट्री करनी है, हमें क्या रिसीव हुआ, बैंक चेक रिसीव हुआ है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो हमने इसको डिस्काउंट दिया ये मेरा डिस्काउंट लॉस है, इसको मैंने डेबिट कर दिया टू राकेश, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है 8,000 से, बस एंट्री मेरी नहीं सॉरी 20,000 से, तो बैंक मेरे पास पैसा कितना आया 19,600, 400 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया, 20,000 मेरा डेटर्स कम हो गया। तो बस हम एंट्री लिख देंगे और आगे नरेशन लिखते हैं, बी 50% पेड इमीडिएटली सो कैश डिस्काउंट ऑफ 2% इज गिवन टू हिम। हो गए हमारे इलुस्ट्रेशन सॉल्व, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के। देखो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में हमने क्या सीखा, हमने बेसिकली कैलकुलेशन की है, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमने सारा मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की हुई है। बस अकाउंट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो
बुक्स में मेंटेन नहीं होता, और कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब हमने इमिजिएटली उसको पेमेंट कर दी हो, उसको तुरंत ही पेमेंट कर दी हो, तो उतने ही अमाउंट पे मिलेगा जितना उसने पे कर दिया हो।